हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल कुकिंग एंड स्पाइसेस पे। फ्रेंड्स, आपने घर पर कई बार पिज़्ज़ा बनाकर ज़रूर खाया होगा, लेकिन आपको हमेशा ये कमी महसूस होती है कि ये मार्केट के डोमिनोज जैसा या पिज़्ज़ा हट जैसा पिज़्ज़ा नहीं लगा टेस्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिनसे कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल का आपका पिज़्ज़ा बनकर रेडी होगा। इसका जो बेस है वो बहुत ही अच्छा फ्लफी होगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छे से जाली बनी है और बहुत सॉफ्ट और फ्लफी हमारा पिज़्ज़ा बेस बनकर रेडी होगा और बिल्कुल डोमिनोज के टेस्ट वाला पिज़्ज़ा हम बनाकर रेडी करेंगे। तो अगर आप भी इसी तरीके से पिज़्ज़ा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का बोल ले लिया है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप गर्म पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी में हमें गर्म पानी यूज़ में लेना है, ना कि ल्यूक वॉर्म वाटर। जनरली हम जो पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं वो ल्यूक वॉर्म वाटर यूज़ में लेते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर हमें ल्यूक वॉर्म वाटर से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी यूज़ में लेना है। और जितनी क्वान्टिटी आज मैं ले रही हूँ उसमें आपके 2 पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल में पिज़्ज़ा बेस बनाकर दिखाएंगे आपको, जो एकदम परफेक्ट पिज़्ज़ा बेस होता है। और जो सीक्रेट्स मैं इसमें बताने वाली हूँ उसके लिए आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर मैंने जैसा कि गर्म पानी दिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 टीस्पून शुगर और इसे हम थोड़ी देर घुमा लेंगे ताकि जो शुगर है वो मेल्ट हो जाए। तो कुछ देर तक चलाने के बाद में अब हम इसमें ऐड करेंगे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट। तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून ले रही हूँ। तो अगर आप इंस्टेंट पिज़्ज़ा बेस बनाना चाहते हैं, यानी कि आपको कुछ ही घंटों में पिज़्ज़ा बेस बनाकर रेडी करना है, तो आप 1 टीस्पून की जगह 2 टीस्पून ड्राई ईस्ट ऐड करें। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको डोमिनोज स्टाइल में पिज़्ज़ा का डो लगाकर दिखाऊंगी, तो इसे मैं 24 आवर्स के लिए रखूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ड्राई ईस्ट यूज़ में ले रही हूँ। तो ऐड कर देंगे इसे भी हम पानी में और इसे मिक्स कर लेंगे, घोल लेंगे अच्छे से। और इसी के साथ में मैं इसमें ऐड कर दी हूँ 3 टेबल स्पून बटर। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ में लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ में ले सकते हैं। और इसी के साथ में इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अगर आपके पास में मिल्क पाउडर नहीं है तो जो हमने प्लेन वाटर लिया था उसकी जगह आप मिल्क यूज़ में लें। और इसी के साथ में इसमें जाएगा जिंजर पाउडर, तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून जिंजर पाउडर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, तो यहाँ पर मैं 1 टीस्पून सॉल्ट इसमें ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा यूज़ में ले सकते हैं। तो जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड करी हैं आप उन सब चीज़ों को ज़रूर ऐड करें, इसमें कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, क्योंकि जो मार्केट वाले पिज़्ज़ा होते हैं, डोमिनोज वाला पिज़्ज़ा होता है, उनके बेस में भी एक अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आता है। तो जैसा कि हमने थोड़ा सा गर्म पानी लिया था वो अभी हल्का सा ल्यूक वॉर्म हो गया है और सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है, मेल्ट हो गया है बटर। तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा, तो यहाँ पर मैं 3 कप मैदा इसमें ऐड कर रही हूँ, जैसा कि हम 2 डो बनाने वाले हैं। और अगर आप 1 डो बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे स्पून की हेल्प से। तो अभी हम इसे पहले स्पून की हेल्प से मिक्स करेंगे और उसके बाद में हमें जितना ज़रूरत होगा पानी का उतना हम इसमें ऐड करेंगे। और इसमें हमें ठंडा पानी यूज़ में नहीं लेना है, इसमें हम हल्का गुनगुना पानी ही यूज़ में लेंगे। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड करेंगे। तो एक बार में ज़्यादा ना डालें, बस थोड़ा सा डालें और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो जितना पानी मैंने अभी ऐड किया है वो सफिशियंट है, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो डो है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी सा दिख रहा होगा आपको, तो इसे हमें कंटिन्यूसली 15 मिनट के लिए नीड करना होगा, उसके बाद में ये सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसे एक बड़े से बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे परात में डाल रही हूँ और उसके बाद में 15 मिनट्स के लिए हमें इसे कंटिन्यूसली नीड करते रहना है। तो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला काम है, अगर आपको मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बेस चाहिए तो आपको ये प्रोसेस ज़रूर करना होगा। तो 15 मिनट तक आप इसे नीड करते रहें। तो अभी आपको ये थोड़ा सा स्टिकी फॉर्म में दिख रहा है, 15 मिनट्स के बाद में ये थोड़ा सा इकट्ठा होने लग जाएगा और एक सॉफ्ट डो के फॉर्म में आ जाएगा। तो 15 मिनट तक इसे नीड कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा हुआ है। बीच बीच में आप इसे नाइफ की हेल्प से स्क्रैप आउट करते रहें ताकि जो मैदा आपके हाथों में चिपक गया है वो हट जाए। और इसे फिर से हमें 5 मिनट के लिए नीड करना है।
तो 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो डो है वो इकट्ठा हो गया है। और यहाँ पर हाथों पर मैंने इस तरीके से चिकनाई लगा ली है, आप चाहें तो घी या ऑयल लगा सकते हैं और इसे हल्के हाथ से आप इकट्ठा कर दीजिए। तो ये हो जाने के बाद में अब मैं इसे ट्रांसफ़र करूँगी एक बॉक्स में। तो बॉक्स में हमें इसे ऐड करने से पहले इसके ऊपर घी लगा लेना है ताकि जो डो है वो बॉक्स में चिपके ना। अच्छे से सब तरफ स्प्रेड कर लीजिए और जो हमने डो बनाया है उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसे हमें हाथों से प्रेस करके एकदम फ्लैट कर देना है। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जब हम 24 घंटे बाद इसे फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो हमें पता चल सकता है कि ये कितना फर्मेंट हुआ है। तो एकदम इसे मैंने प्लेन कर दिया है और आप देख सकते हैं आधे से भी कम भरा है ये। तो इसे हमें कोल्ड फर्मेंटेशन के लिए रखना है। जी हाँ, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये कोल्ड फर्मेंटेशन कहलाती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि आधे से भी कम भरा हुआ है और जब हम इसे 24 घंटे बाद फ्रिज से बाहर निकालेंगे तो ये पूरा फूल कर ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसे आपको फ्रिज में रखना है ना कि फ्रीजर में। तो 24 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे बाद मैंने बॉक्स को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये फर्मेंट हुआ है। ये पहले आधे से भी कम था, अभी ये पूरा फुल हो गया है और एयर बबल्स आप इसमें देख सकते हैं। तो एकदम परफेक्ट डो हमारा लगकर रेडी हुआ है। बहुत ही अच्छे से इसमें जाली बनी है, देखिए कितना अच्छे से फूला है। तो ये जो कोल्ड फर्मेंटेशन की प्रोसेस है इससे बहुत ही परफेक्ट डो बनकर हमारा रेडी होता है। देखिए जाली बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हुई है। तो अब हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इससे हम दो पिज़्ज़ा बना सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आज एक पिज़्ज़ा इससे बनाकर दिखा रही हूँ। और इसी डो से आप गार्लिक ब्रेड भी बना सकते हैं, तो गार्लिक ब्रेड का वीडियो भी मैं आपके साथ में जल्दी ही शेयर करूँगी। तो इस डो को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर हाथों पर मैंने थोड़ी चिकनाई लगा ली है और पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें जितने डो की ज़रूरत है उतना मैंने ले लिया है। और इसे अच्छे से हम राउंड कर लेंगे इस तरीके से। आप हाथों पर चिकनाई लगा लें ताकि जो डो है वो आपके हाथों पर स्टिक ना करे। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें इसे कैसे रोल करना है। तो आप अभी जो आटा देख सकते हैं इसके आसपास, तो ये मैंने मक्की का आटा लिया है। तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है और आपने पिज़्ज़ा हट में देखा होगा या डोमिनोज में देखा होगा कि वो लोग इसी तरीके का येलो कलर का आटा यूज़ में लेते हैं। इससे जो पिज़्ज़ा का क्रस्ट है वो और भी अच्छा क्रिस्पी बनता है। तो हमें इसी तरीके से हाथों से इसे स्प्रेड कर लेना है और जो एक्स्ट्रा आटा इसके नीचे लग जाएगा उसे हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है, अब हम इसके ऊपर ढेर सारा घी या ऑयल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स बटर लगा लिया है, आप देख सकते हैं बहुत सारा बटर मैंने यूज़ में लिया है। ये करीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून बटर इसमें यूज़ में लिया है। तो अगर आपको बिल्कुल मार्केट जैसा पिज़्ज़ा खाना है तो ये प्रोसेस आपको ज़रूर करना होगा। तो इससे आपके पिज़्ज़ा जो है वो मार्केट जैसा लगेगा और बहुत ही अच्छा इसका बेस बनेगा। तो अब हम जो हमारा बेस है उसे इसमें शिफ्ट कर लेंगे। तो इसे मैंने हल्का सा और स्प्रेड कर लिया है और इसे हम केयरफुली ट्रे में डाल देंगे और उसके बाद में हम इसे अच्छे से फैला लेंगे। तो ये डाल देने के बाद में अब हम इसे फिंगर्स की हेल्प से स्प्रेड करेंगे। और अगर आपके हाथों पर ये लग रहा है तो आप थोड़ा सा चिकनाई लगा लें अपने हाथों पर। और इसकी जो एजेस हैं उसे हमें थोड़ा सा मोटा रखना है, भले ही आप इसे बीच में से थोड़ा सा पतला कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने इसे स्प्रेड कर लिया है। तो ये हो जाने के बाद में अब हम सेकंड प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फोर्क ली है और पूरे पिज़्ज़ा बेस को हम इस तरीके से ब्रेक कर लेंगे ताकि जब पिज़्ज़ा बेक हो तो ये बीच बीच में से फूले ना। तो अच्छे से इस पर ब्रेक कर दीजिए। और ये हो जाने के बाद में अब हम सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर डाला हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगी। तो पिज़्ज़ा सॉस आप इस पर अच्छी क्वांटिटी में डालें, इसमें कोई कमी ना रखें। और इसकी जो एजेस हैं उसे आप छोड़ दें और अच्छे से स्प्रेड कर लें। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद में अब हम इसके ऊपर वेजेस डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चीज़ इसमें अंदर की साइड डालेंगे। यहाँ पर मैं पहले अमूल चीज़ स्लाइसेस यूज़ में ले रही हूँ, इससे काफ़ी अच्छे से चीज़ी पिज़्ज़ा बनकर हमारा रेडी होगा। तो रेंडमली आप इसे तोड़ कर डाल दीजिए इस तरीके से। तो स्लाइस डाल देने के बाद में अब हम इसके ऊपर जो ग्रेटेड चीज़ है उसे डाल देंगे। तो इस तरीके से आप स्प्रेड कर दीजिए। और अगर आपके पास में स्लाइस नहीं है तो आप ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ में ले सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, बाकी हम बाद में डालेंगे।
तो यहाँ पर अब हम इसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो जो भी वेजिटेबल्स आपके पास में अवेलेबल है आपको डाल दीजिए। सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो बेबी कॉर्न आते हैं उसको इस तरीके से रख दूंगी। तो बेबी कॉर्न को मैंने बीच में से कट कर लिया है और इन्हें हम रैंडमली जमा देंगे। और इसके बाद में हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे स्वीट कॉर्न, तो इन्हें भी हम रैंडमली स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। अब हम यूज़ में लेंगे कैप्सिकम, तो अगर आप चाहें तो रेड कैप्सिकम या येलो कैप्सिकम भी यूज़ में ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्रीन कैप्सिकम यूज़ में ले रही हूँ, तो इसे भी हम रैंडमली जमा देंगे। इसके बाद में जाएंगे इसमें ऑनियन, तो ऑनियन की स्लाइसेस को भी हम रख देंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो, तो टोमेटो के सीड्स मैंने हटा दिए हैं और इसकी स्लाइसेस को हम इसके ऊपर रख देंगे। तो जो भी वेजिटेबल्स आपके पास में अवेलेबल हैं या जो वेजिटेबल्स आपको पसंद हैं, जैसे कि आप मशरूम भी यूज़ में ले सकते हैं इसमें, तो वो आप यूज़ में ले। तो वेजिटेबल्स सब रख देने के बाद में अब मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी ग्रेटेड चीज़, तो ढेर सारा ग्रेटेड चीज़ आप इसके ऊपर डालें। तो पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है बेक करने के लिए। तो यहाँ पर माइक्रोवेव को मैंने कन्वेक्शन मोड पर 230 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। पिज़्ज़ा को हमें कन्वेक्शन मोड पर ही बेक करना है, इसे मैं 20 to 25 मिनट बेक करूँगी। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग माइक्रोवेव पर, मैं इसे 25 मिनट के लिए बेक कर रही हूँ और किसी किसी माइक्रोवेव में इसमें ज़्यादा टाइम लगता है बेक होने में। तो पिज़्ज़ा को हमें हमेशा कन्वेक्शन मोड पर ही बेक करना चाहिए। तो ये हो जाने के बाद में अब लास्ट में हम इसकी जो एजेस हैं उस पर थोड़ा सा बटर अप्लाई करेंगे, उससे जब ये बेक होगा तो अच्छे से इसकी एजेस ब्राउनिश हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने बटर ले लिया है और इसे मैं एक ब्रश की हेल्प से पूरी एजेस पर स्प्रेड कर दूँगी। आप चाहें तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट कर लें ताकि ईजीली ये स्प्रेड आउट हो जाए। तो पूरी एजेस पर लगा लें अच्छे से। तो माइक्रोवेव प्रीहीट हो गया है, अब हम इसमें जो हमारी ट्रे है पिज़्ज़ा की उसे रख देंगे और बेक कर लेंगे इसे। तो माइक्रोवेव ऑलरेडी 230 डिग्री सेल्सियस पर सेट है, अब हम इसे 25 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख देंगे कन्वेक्शन मोड पर। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है और इसे मैंने 20 मिनट में बाहर निकाल लिया है, क्योंकि 20 मिनट में ये आराम से बेक हो गया था। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा हमारा बनकर रेडी हुआ है। इसकी एजेस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ब्राउनिश हो गई हैं, जैसा मार्केट का जो पिज़्ज़ा होता है ना, बिल्कुल वैसा ये दिख रहा है। अब हम इसे 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे, तो पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से इसे कट कर लीजिए। तो बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है ये पिज़्ज़ा देखने में। तो इसे मैंने कट कर लिया है, अब मैं एक स्लाइस आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो अभी ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है, तो मैं एक स्पैचुला की हेल्प से इसे बाहर निकालूंगी। लुक एट दिस गाइस, दिस पिज़्ज़ा इज लुकिंग सो अमेजिंग एंड सो डिलीशियस। और इसका टेक्सचर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना फ्लफी और सॉफ्ट इसमें जाली बनकर रेडी हुई है। तो जो डोमिनोज का पिज़्ज़ा का बेस होता है एकदम सॉफ्ट, बिल्कुल वैसा ही इसका बेस बनकर रेडी हुआ है। देखिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हुआ है, ये एकदम चीज़ी और माउथ वाटरिंग लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे या कुछ सीक्रेट्स थे आपकी परफेक्ट मार्केट जैसा पिज़्ज़ा बनाने के लिए। तो अगर इस तरीके से आपने अभी तक पिज़्ज़ा ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ में ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसे सर्व करने से पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर रही हूँ, साथ ही में हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। तो इस पिज़्ज़ा को देखने के बाद में मेरे मुंह में तो बहुत सारा पानी आ गया है और मैं इसे फटाफट से ट्राई करने वाली हूँ। और आप भी जल्दी से इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको ये कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जो लोग नए हैं मेरे इस वीडियो में या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथ ही में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरीके से अच्छे अच्छे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।